वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, जैसा कि हमने UPPCL टैग 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 24 तारीख का डेट 24/1/2019 और इसका एग्जाम टाइम था 2 बजे से, सेकंड शिफ्ट था, तो उसका पेपर मैंने सॉल्व कराया था जिसमें 2 पार्ट लिया था इलेक्ट्रिशियन का। टोटल 150 क्वेश्चन है, तो उसमें से हमने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ और उसमें 50 क्वेश्चन और है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 नंबर का क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, इकोनोमाइजर का प्रयोग खाली स्थान एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इकोनोमाइजर का उपयोग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बॉयलर क्या है, इकोनोमाइजर क्या है, पहले वो हम जानेंगे। तो ये मेरा है, क्या इसको बोलते हैं, फर्नेस। थर्मल पावर प्लांट में मेरा क्या होता है, ये जो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, पानी को भाप बनाकर स्टीम बनाकर वहाँ से मेरा टरबाइन को चलाया जाता है। तो वहाँ पर स्टीम बनाने के लिए क्या होता है, एक होता है मेरा फर्नेस। फर्नेस में क्या होता है, कोयला को जलाया जाता है और फर्नेस के ऊपर क्या होता है, बॉयलर। बॉयलर के मतलब टंकी नहीं होता है, छोटा छोटा पाइप होता है, पाइप का नली होता है ऐसा ऐसा, इसमें पानी भरा हुआ रहता है। ये पाइप का नली है, इसमें पानी भरा हुआ है। और ये पाइप का नली इस फर्नेस के नीचे से गुजरता है। छोटा छोटा नली। तो क्या होता है कि ये मेरा गर्म होगा फर्नेस और ये हीट पैदा करेगा। तो जो पाइप का नली मेरा जो फर्नेस के नीचे है, यहाँ से जब पानी मेरा जाना स्टार्ट करेगा फर्नेस के नीचे वाला पाइप की नली से, तो यहाँ पर सबसे पहले पानी कुछ ना कुछ गर्म हो जाएगा। पहले ठंडा पानी जो हल्का यहाँ गर्म हो गया, फिर ये ऊपर जब पानी ऐसे चढ़ेगा, इस ऊपर वाला टंकी में यानी बॉयलर में, तो क्या होता है, पहले से ऑलरेडी हल्का गर्म है, यानी गर्म होने में काफ़ी कम टाइम लगेगा, तो आसानी से गर्म हो जाता है और बहुत सुपर हीट हो जाता है बॉयलर। सुपर हीट होने की वजह से यह अपना बाष्प बनकर देता है टरबाइन ब्लेड पर। तो इसमें हम ये जान रहे हैं कि इसके बगल में ये इकोनोमाइजर का काम कर रहा है। इकोनोमाइजर में क्या हुआ, इफिशेंसी बढ़ाना। तो बॉयलर सबसे ऊपर है, नीचे से टंकी मेरा है, टंकी का छोटा छोटा क्या है, पाइप है। तो नीचे से जा रहा है टंकी का छोटा छोटा पाइप से पानी ऊपर बॉयलर में, तो पहले ही थोड़ा सा गर्म कर देता है, जिससे कि ऊपर जाकर आराम से आसानी से कम समय में हीट हो और बाष्प आराम से बन जाए। तो इसमें इकोनोमाइजर का प्रयोग क्या होता है, बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपने देखा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा, फ्लैशर बल्ब का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता। तो फ्लैशर बल्ब क्या है, जैसा कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है, तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था शादी विवाह हो गया, वहाँ पर जो डेकोरेशन ये सब में या सजावट के लिए जो बल्ब का प्रयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैशर बल्ब। फ्लैशर बल्ब का प्रयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया जाता है बार बार एग्जाम में, फ्लैशर बल्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 103 में बोल रहा है, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, यानी फिलामेंट लैंप का टेम्परेचर पूछ रहा है, गैस से भरे हुए फिलामेंट लैंप का टेम्परेचर कितना होता है। तो ऐसे 2200 से 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बाईस सौ से
2300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि ऑप्शन में यहाँ पर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 2200 से 2300 करके भी दिया रहे तो वो 2200 से 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 में बोल रहा है भारत में बिजली का परिचालन आवृत्ति है, यानी भारत में फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है। तो हम पहले ही कितना वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है, अमेरिका में अलग है, चीन में अलग है। तो भारत का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, 50 हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 में बोल रहा है ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है, पूछ रहा है V बराबर क्या होता है। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम में क्या होता है, जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट और रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 में बोल रहा बिजली की गति खाली स्थान है, तो बिजली का गति पूछ रहा, बिजली का स्पीड कितना होता है, 186,000 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिए, 186,000 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है लीड एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो लीड एसिड बैटरी में जो हम इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसा कि सेल बैटरी का भी चैप्टर चल रहा है, जो लोग सेल बैटरी नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सेल बैटरी में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आप लोग नहीं देख पाते हैं तो देखिए वहाँ पर जाकर। तो लीड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है, HCl नहीं किया जाता है, अमोनिया क्लोराइड नहीं किया जाता है, सोडियम क्लोराइड नहीं किया जाता है, कौन सा किया जाता है, H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। और जो मेरा ये जो है NH4Cl, ये मेरा कहाँ प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लिकलांचर सेल में, पिछला प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे लिकलांचर सेल में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है NH4Cl। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 में बोल रहा है ACSR का पूर्ण रूप क्या है, तो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो A से होता है एल्युमिनियम, C से कंडक्टर, S से स्टील, R से रेनफोर्स, यानी फुल फॉर्म पूरा होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसमें क्या होता है कि ये मेरा वायर पर जो सबसे पहला लेयर रहेगा वो स्टील का रहेगा, ऊपर जो रहता है एल्युमिनियम रहता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ACSR कंडक्टर में एल्युमिनियम ऊपर रहता है या नीचे स्टील के नीचे रहता है, एल्युमिनियम सबसे ऊपर रहता है और नीचे स्टील रहता है, स्टील का क्या काम है, ये मेरा स्टील का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है ACSR केबल में। तो इससे तीन क्वेश्चन पूछा गया, एक तो पहला कि फुल फॉर्म, फिर पूछेगा एल्युमिनियम कहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, एल्युमिनियम बाहरी सतह पर एल्युमिनियम रहता है और अंदर सतह पर स्टील रहता है। फिर पूछा जाएगा कि स्टील का काम क्या है, तो स्टील क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 में बोल रहा है अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होता है, अल्टरनेटर का रेटिंग किस चीज़ में किया जाता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस चीज़ में किया जाता है, रेटिंग हमेशा ही पूछता है अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, तो सबका रेटिंग अलग अलग होता है, जनरेटर का अलग, डीसी मशीन का अलग हो जाता है या अल्टरनेटर का अलग हो जाता है। तो अल्टरनेटर का रेटिंग किस में किया जाता है, KVA। ओके, किलो वोल्ट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 110 में बोल रहा है निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है, तो कौन सा, ये चार ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कौन सा सेल है जिसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है।
तो लिथियम सेल ऑप्शन नंबर एक में है जो कि सबसे ज़्यादा इसका कार्यकाल होता है, जबकि लीड एसिड सेल का कार्यकाल कितना होता है, लीड एसिड सेल का 3 से 5 वर्ष होता है, लीड एसिड सेल का, लिथियम सेल का इससे भी हाई होता है। ओके, ये लिथियम सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। ओके, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनिवर्सल मोटर खाली स्थान की होती है। बोल रहा है जो रेलवे में हम मोटर जो प्रयोग करते हैं इन्वर्सल मोटर के रूप में, वो कितना एचपी का होता है, तो कितना एचपी का होता है, 2200 एचपी, 2200 एचपी। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग टिक कर लीजिए या एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, बी एच कर्व रिप्रेजेंट द मैग्नेट चैप्टर में हम बताया था आपको कि बी एच कर्व के बारे में, बी एच कर्व क्या है, बी क्या है, एच क्या है, तो बी इसमें क्या डिनोट करता है, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एच क्या होता है, हिस्टेसिस लॉस यानी पिछड़ जाना, तो बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया 113 में, टर्बो अल्टरनेटर की किस प्रकार की रोटर प्रयोग किया जाता है, यानी पूछ रहा है टर्बो अल्टरनेटर में कौन सा रोटर प्रयोग किया जाता है। तो टर्बो अल्टरनेटर में सिलेंड्रिकल पोल प्रकार का रोटर रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है। ओके, सिलेंड्रिकल पोल प्रकार का अल्टरनेटर टर्बो में किया जाता है, और टर्बो अल्टरनेटर जो है हाई स्पीड का अल्टरनेटर है। एक होता है सेलियंट पोल रोटर, सेलियंट पोल रोटर क्या होता है, इसका व्यास ज़्यादा होगा और अक्षीय लंबाई कम होगा, और इस जिसका व्यास ज़्यादा होता है, अक्षीय लंबाई कम होता है, वो कौन सा अल्टरनेटर होता है, सेलियंट पोल प्रकार का अल्टरनेटर। ओके, ये सेलियंट पोल प्रकार का है, ये सिलेंड्रिकल है, इसका उपयोग किया जाता है टर्बो अल्टरनेटर में, टर्बो मीन्स उच्च गति का अल्टरनेटर में, हाई स्पीड, और इसका स्लो स्पीड में किया जाता है। ओके, तो इसमें हम क्या क्या जाने, यानी टर्बो अल्टरनेटर क्या है और सेलियंट पोल अल्टरनेटर क्या है, टर्बो अल्टरनेटर में किस रोटर का प्रयोग किया जाता है, और सेलियंट पोल प्रकार के बेलना बेलनाकार पोल प्रकार के, यानी टर्बो अल्टरनेटर जो होता है उसमें हम सिलेंड्रिकल पोल प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं जो कि हाई स्पीड के लेके जाता है, जबकि सेलियंट पोल प्रकार का रोटर जो हम प्रयोग करते हैं कम स्पीड के अल्टरनेटर के लिए करते हैं, और इसका अक्षीय लंबाई कम होता है और व्यास ज़्यादा होता है, किसके अनुपात में, सिलेंड्रिकल पोल रोटर के रेशियो में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलियंट और सिलेंड्रिकल दोनों अलग अलग है, और दोनों का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो हम आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर आगे हम चलेंगे, इन एसी बाइंडिंग पिच फैक्टर, एसी बाइंडिंग में मेरा पिच फैक्टर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, बाइंडिंग पिच बाई पोल पिच, यानी बाइंडिंग पिच दिया रहेगा और मेरा पोल पिच दिया रहेगा, तो पिच फैक्टर निकलेगा, यानी बाइंडिंग पिच मान लेते हैं 36 है, पोल पिच मान लेते हैं 9 है या कितना भी, तो मेरा बाइंडिंग पिच कितना निकलेगा, 4। तो इस प्रकार से इस फार्मूला के रिलेटेड हम बाइंडिंग पिच निकाल सकते हैं, यानी बाइंडिंग पिच फैक्टर इज इक्वल टू बाइंडिंग पिच बाई पोल पिच। ओके, तो ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन मेरा है, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो हाई स्पीड स्टील में कितना होता है कार्बन का परसेंटेज, 0.75 से 1%, 1% 1% तक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है, आम तौर पर 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का पूर्ण भार करंट कितना होता है, यानी 3 फेज होता है, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है डीसी डीसी मशीन, तो 3 फेज में अगर पूछेगा, एसी मशीन में पूछता है 3 फेज हो सिंगल फेज, एसी मशीन में अगर पूछता कि एचपी का कितना करंट लेता है, स्क्वायरल गेज जो स्लिप रिंग होता है, एसी का कितना, एसी में एचपी का कितना करंट लेगा मेरा, तो अगर एचपी मेरा 3 एचपी का मोटर है, 3 एचपी का अगर मोटर है और पूछ रहा है कि ये 3 फेज है और कितना एम्पियर करंट लेगा,
तो एचपी का डेढ़ गुना लेता है, 1.5। ओके, तो एचपी का डेढ़ गुना मीन्स 4.5 एम्पियर करेंट लेगा। ये मेरा हो गया एसी के लिए, यानी थ्री फेज स्क्वायरल गेयर इंडक्शन मोटर, यानी एसी में प्रयोग किया जाता है। और मेरा अगर रहे डीसी में, पूछे एचपी का कितना गुना लिया था, अगर 10 एचपी का मोटर है, 10 एचपी का, तो 10 एचपी गुने 3 एचपी का 3 गुना, तो 30 एम्पियर करंट लेगा। ओके, ये डीसी मशीन के लिए हो गया, डीसी जनरेटर मोटर, डीसी मशीन। ओके, एचपी का 3 गुना, जबकि थ्री फेज में क्या होता है, एचपी का डेढ़ गुना लेता है। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देख, ऑप्शन नंबर 4 में है एचपी का डेढ़ गुना। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, केबलों के जोड़ों के लिए किस प्रकार का लग प्रयोग किया जाता है, जो हमारा केबल होता है उसको जोड़ने के लिए किस प्रकार का लक्स प्रयोग किया जाता है। तो हर एक प्रकार का लक्स रहता है, लक्स ऐसा इस प्रकार का रहेगा, ऐसा रहता है, और यहाँ पर कोई मटेरियल जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो केबलों में लक्स जोड़ने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है, एल्यूमिनियम और तांबा का होता है, ज़्यादातर तांबा का होगा या फिर एल्यूमिनियम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 118 में बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एप्लीयंस हीटिंग एलिमेंट, यानी हीटिंग एलिमेंट में जो मटेरियल प्रयोग करते हैं वो कौन सा मटेरियल होता है। तो पहले ही हम आपको बताए हैं बहुत सारा वीडियो में कि नाइक्रोम का हम प्रयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 में बोल रहा है, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है, तो छत का पंखा जो हमारे घरों में जो पंखा प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा मोटर होता है, परमानेंट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, छत के पंखा जो मेरा होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है मोटर, वह परमानेंट होता है। कैसा होता है, परमानेंट, यानी निकालने वाला नहीं होगा, बार बार निकालने वाला नहीं होता, ये परमानेंट होता है। ओके, तो इसे इसको हम बोलते हैं अस्थाई कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 में बोल रहा, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा हो। तो सीरीज बाउंड जनरेटर, वो बिल्कुल ही ऑप्शन करेक्ट है। सीरीज बाउंड जनरेटर क्या होता है, इसमें जब लोड डाला जाता है तभी यह चलता है, विदाउट लोड अगर हम इसको हम स्टार्टिंग करेंगे तो क्या होता है, यह कई खंडों में टूट जाएगा और खतरनाक साबित होगा, इसलिए विदाउट लोड इसे स्टार्ट नहीं करते। तो बिना लोड के हम स्टार्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब जब हम लोड डालेंगे तभी मेरा टर्मिनल वोल्टेज बनेगा। तो बोल रहा है जब बिना किसी लोड के चल रहा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा, लोड डालेंगे जब टर्मिनल वोल्टेज मेरा बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन बिना लोड के टर्मिनल वोल्टेज हमेशा शून्य होता है, इसलिए सीरीज बाउंड जनरेटर बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 121 में, डीसी जनरेटर खाली स्थान के सिद्धांत पर काम करता है, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में आता ही आता है। तो फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है मेरा कौन सा, डीसी जनरेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 में बोल रहा, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है, नियॉन संकेत ट्यूब जो होता है, नियॉन ट्यूब होता है, उसका लंबाई कितना मीटर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नियॉन साइन ट्यूब का जो लंबाई होता है कितना होता है, 5 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा, एक मेरे पास करेंट ट्रांसफार्मर है, कौन सा है, सीटी। बोल रहा है उसका रेशियो दिया गया 100/5 एम्पियर। ओके, कि एम्पियर मीटर से जुड़ा हुआ है, 5 एम्पियर की एम्पियर मीटर से जुड़ा हुआ,
तो बोल रहा है इसका रीडिंग 3 एम्पियर है, तो वास्तविक करंट कितना होगा। तो पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से हम 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 20 एम्पियर। ओके, अब मेरा रीडिंग कितना दिखा रहा है 3 एम्पियर, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 20 एम्पियर को क्या करेंगे 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 20 × 3 = 60 एम्पियर। तो मेरा राइट आंसर कितना है 60 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे मेरा है 124 में, बैलेंस लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है। तो हम आपको बताए थे कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और न्यूट्रल डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो ये मेरा क्या है स्टार कनेक्शन, हम पहले बता रहे हैं ये मेरा स्टार है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, जबकि डेल्टा में मेरा न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। अगर बैलेंस लोड है, ये मेरा लोड कैसा है बैलेंस लोड है, तो पूछ रहा है कि न्यूट्रल में करंट क्या होगा। तो बैलेंस लोड में क्या होता है, जब भी कोई लोड बैलेंस हो और स्टार कनेक्टेड हो तो न्यूट्रल में मेरा करंट हमेशा 0 होता है, यानी 0 होता है। ओके, तो ये मेरा स्टार के लिए था, जबकि डेल्टा में मेरा कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। डेल्टा का डायग्राम किस प्रकार होता है, ये हो गया डेल्टा, यहाँ से एक फेज, एक फेज इधर से, एक फेज इधर से। ओके, ये मेरा डेल्टा हो गया, इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, जबकि स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता और बैलेंस लोड में न्यूट्रल में करंट हमेशा 0 होता। क्वेश्चन नंबर 125 में चलेंगे, उसमें बोल रहा आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है। तो आरसीसी पोल का प्रयोग कितना के वी तक लाइन में किया जाता है, 11 KV, 11,000 वोल्ट तक आरसीसी हम प्रयोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, डीसी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क, तो किसका प्रारंभिक टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है डीसी मोटर में। डीसी मोटर में सबसे ज़्यादा प्रारंभिक टॉर्क सीरीज मोटर का होता है, तो इसका प्रारंभिक टॉर्क वेरी हाई होता है, ऑप्शन नंबर 4 में। और उसी प्रकार इन्वर्सल मोटर का भी प्रारंभिक टॉर्क हाई होता है, जिस प्रकार डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क हाई होता है उसी प्रकार इन्वर्सल मोटर का भी प्रारंभिक टॉर्क वेरी हाई होता है। ओके, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है क्योंकि इससे बिना लोड के हम नहीं चला सकते, इसे अब इसे चाहिए लोड, और जब किसी चीज़ को लोड चाहिए तो लोड के लिए स्टार्टिंग में मेरा टॉर्क ज़्यादा चाहिए, और टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो कौन सा मोटर को चाहिए, सीरीज मोटर या फिर इन्वर्सल मोटर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे है 127 में, अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजिंग के लिए मुख्य शर्तें क्या है। सिंक्रोनाइजिंग जब अल्टरनेटर को करेंगे तो लिकालन मीन्स सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग जब करेंगे अल्टरनेटर को तो क्या क्या चीज़, कौन कौन सा शर्तें जो मेरा होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और फेज सिक्वेंस, ये समान होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए। दो अल्टरनेटर मेरा जुड़ा हुआ है, दोनों अल्टरनेटर को हम क्या कर रहे हैं सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं। दो अल्टरनेटर मेरा है, एक ये है अल्टरनेटर, एक मेरा ये है अल्टरनेटर, दो अल्टरनेटर जुड़ा हुआ, दोनों को जब सिंक्रोनाइजिंग करेंगे A1 A2, ओके, दोनों को जब हम सिंक्रोनाइजिंग करेंगे तो मेरा वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी एंड फेज सिक्वेंस ये तीनों मेरा सेम होना चाहिए दोनों के लिए, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 में बोल रहा है, निम्न में से किस मोटर का कम लागत के रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऐसा मोटर है ऑप्शन के अनुसार कि जिसको रखने में मेरा कम खर्च होता है, यानी खर्च के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और कम खर्च में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा मोटर है, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को रख रखाव में कोई खर्चा नहीं पड़ता। स्लिपरिंग मोटर है, इन्वर्सल मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, ये तीनों मोटर इंडक्शन मोटर की अपेक्षा इसका लागत रख रखाव की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि इंडक्शन मोटर का कम होता। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे है 129 में,
सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सौर बैटरी या फिर सोलर सेल? हम आपको एक पिछला वीडियो एक डाले थे उस सेल बैटरी का, उसमें आपको हम बताए थे कि सोलर सेल में जो मेरा प्लेट बना रहता है वह क्या चीज़ का रहता है, सेमीकंडक्टर का। जो प्लेट है छोटा छोटा वो मेरा क्या चीज़ का, सेमीकंडक्टर का बना रहता है। इससे जो बाहर आउटपुट निकलता है इसके द्वारा, या फिर बैटरी चार्जिंग के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम बल्ब भी जला सकते हैं, पंखे भी चला सकते हैं। तो बोल रहा है सौर बैटरी, यानी बैटरी यहाँ पर जुटा हुआ है, सौर बैटरी में जो सोलर सेल है उनमें किस प्रकार का सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है। और जो वीडियो नहीं देखते हैं सेल बैटरी का वो देखिए, कहा कि उसमें हम बताएं और भी सोलर सेल के जानकारी दिए हैं, सोलर सेल में कौन कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा क्रिस्टलीय सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है सोलर सेल में, और सौर बैटरी उसी से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 130 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू केबल? तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन, केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देने के लिए क्या चीज़ हम प्रयोग करते हैं, कैसा वायर हम प्रयोग करते हैं? तो हम बताएंगे आपको MBA के माध्यम से। एक मेरा केबल है, तो केबल में सबसे पहले क्या होता है, ए मीन्स आर्म्ड होता है, बी मीन्स होता है बेंड, एम मीन्स मेटालिक, ओके, मेटालिक बेंडिंग आर्मरिंग। तो सबसे पहले मेरा क्या होता है, आर्म होता है। तो भीच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू केबल। तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन कौन देता है केबल को? सबसे पहले कौन सा है केबल में? सबसे पहला मेरा ए है, ए मीन्स क्या होता है, आर्म, यानी आर्मरिंग, बी से बेंड, ए और एम से मेटालिक। तो आप इसको MBA के माध्यम से याद रखिए, भी पूछता है सबसे पहले क्या होता है केबल के नज़दीकी, तो आर्मरिंग, फिर उसके बाद बेंड, फिर उसके बाद मेटालिक। ओके, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो पावर फैक्टर का बहुत सारा होता है, तो इसमें सबसे पहले जिसके माध्यम से दिया गया ऑप्शन उसके माध्यम से क्या होगा, ट्रू पावर बाई अपरियंट पावर, यानी रियल पावर बाई अपरियंट पावर। और भी होता है पावर फैक्टर पर, कॉस फाई, पावर फैक्टर कॉस फाई आर बाई जेड होता है, बहुत सारा, दो तीन फार्मूला होता है। तो पी बराबर वी आई कॉस फाई पर भी एक निकलेगा पावर फैक्टर का फार्मूला। ओके, अंडर रूट थ्री वी आई कॉस फाई पर एक निकलेगा। तो इसमें रियल क्या है, पावर फैक्टर का ट्रू पावर बाई अपेरेंट पावर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट MI इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? MI ज़्यादातर क्यों प्रयोग करते हैं और MC क्यों प्रयोग करते हैं? ओके, तो MI जो इंस्ट्रूमेंट होता है, MI मीन्स मूविंग आयरन, इसका जो हम प्रयोग करते हैं AC एंड DC दोनों में प्रयोग करते हैं, AC एंड DC दोनों पूर्ति के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जबकि MC जो मेरा सिर्फ और सिर्फ DC के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, MI AC एंड DC दोनों के लिए, और मूविंग कॉइल जो है DC के लिए प्रयोग करते हैं। MI में क्या होता है, मूविंग आयरन, मिस आयरन मूव करेगा, कॉइल स्थिर रहेगा। MC में क्या होता है, मूविंग कॉइल, कॉइल मूव करेगा, आयरन स्थिर रहेगा। तो MC में क्या होता है, DC के लिए प्रयोग किया जाता है, MI क्या होता है, AC एंड DC दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो AC एंड DC दोनों पूर्ति, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट मेरा। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 133 में बोल रहा है, कॉपर के परमाणु संख्या खाली स्थान है,
कॉपर का एटॉमिक नंबर पूछ रहा था, कितना होता है? 29। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? इसका शेप इस प्रकार का होता है, और कोई जॉब को यहाँ पर हम रख कर चेक कर सकते हैं कि ये मेरा 90 में है कि नहीं, यानी एंगल सही है या नहीं। ओके, तो 90 डिग्री पर ट्राई स्क्वायर के माध्यम से कोण की सटीकता मापने के लिए किसी जॉब को प्रयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर का, तो राइट आंसर है 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 135 में। पोनी मोटर का प्रयोग करना किसके लिए स्टार्टिंग विधि है? तो सिंक्रोनस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, बहुत सारा ऑप्शन है, 3-4। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? पोनी मोटर का भी प्रयोग करके हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, या फिर डैम्पर बाइंडिंग के माध्यम से भी स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे मेरा, सॉफ्ट शोल्डर में टीन और लीड का परसेंटेज होता है। सॉफ्ट शोल्डर में टीन और लीड कितना परसेंट होता है? तो 60% मेरा टीन होता है और 40% लीड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 137 में बोल रहा, एज पर BIS इन DC सप्लाई द कलर कोड ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल वायर आर रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा कि DC सप्लाई के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल वायर के लिए कलर कोड कौन कौन सा होता है DC में। तो एक तो पॉजिटिव के लिए हम जानते हैं रेड होता है, नेगेटिव के लिए हम जानते हैं ब्लैक होता है, न्यूट्रल के लिए ब्लू होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ब्राउन होता नहीं है, दूसरा में येलो भी नहीं होता, तीसरा ऑप्शन रेड ब्लू ब्लैक सही है, चौथा मेरा ग्रीन नहीं होगा। तो 3 वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी रेड ब्लू एंड ब्लैक तीनों प्रयोग करते हैं, रेड पॉजिटिव के लिए, ब्लैक नेगेटिव के लिए, और ब्लू मेरा न्यूट्रल के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 138 में, व्हाट डज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंडिकेट। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या इंडिकेट करता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस में प्रयोग करते हैं? तो राइट हैंड रूल किसके लिए करते हैं? जनरेटर के लिए। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए प्रयोग करते हैं। तो जनरेटर में क्या होता है, किसका डायरेक्शन दिखाता? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। ओके, क्वेश्चन नंबर 139 में बोल रहा, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होता है? ओके, पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, राइट ऑप्शन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? संचालन लागत, संचालन यानी जो कार्य करने में जो इसका लागत है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का काफ़ी कम होता है। ओके, जबकि इसका स्टार्टिंग में जब इस पावर प्लांट का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का स्टार्टिंग में जब इसका बैठाने में जो इसका खर्च बढ़ता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। ओके, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है लेकिन परिचालन लागत बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है वेव बाइंडिंग, एक होता है लैब बाइंडिंग, एक होता है वेव बाइंडिंग। तो लैब बाइंडिंग सबसे पहले जानेंगे, लैब बाइंडिंग में क्या होता है? पैरेलल पथों की संख्या जो है, यानी एम इस पैरेलल पथों की संख्या जो है डिपेंड करता है पी पर। पोल की संख्या अगर बढ़ेगा पैरेलल पथों की संख्या भी बढ़ेगा, लेकिन वेव बाइंडिंग में ऐसा नहीं होता। वेव बाइंडिंग क्या होता है? वेव में क्या होता है, पोल की संख्या कितना भी रहे, जो ये जो है ये हमेशा दो ही रहता है, यानी पैरेलल पथों की संख्या हमेशा दो ही रहता है चाहे पोल की संख्या कितना भी बढ़े। लैब बाइंडिंग मेरा हाई करंट के लिए प्रयोग किया जाता है, और वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला, डोमेस्टिक AC आपूर्ति में RMS का मान क्या होता है? RMS वैल्यू का क्या होता है? RMS वैल्यू V मैक्सिमम इंटू
आर्मेस जब निकालना होगा मेरे को किसी वैल्यू का, तो एक होता भी मैक्सिमम जो दिया रहेगा इंटू 0.707। ओके, और एवरेज के लिए क्या होगा, एवरेज के लिए भी मैक्सिमम इंटू 0.637। ओके, इसके माध्यम से हम पुट करके हम निकालेंगे फार्मूला पर, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो मेरा कम्यूटेटर रहता है उसका क्या फंक्शन है, कम्यूटेटर जो मेरा रहता है डीसी जनरेटर में उसका क्या फंक्शन है, तो हम आपको बताए थे ये मेरा क्या है आर्मेचर। आर्मेचर से जो एसी करंट जाता है उसको ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या करता है डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ कार्बन ब्रश से बाहर निकाल देता है पॉजिटिव एंड निगेटिव में। ओके, तो कम्यूटेटर का क्या काम है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता, जबकि स्लिप रिंग क्या करता है एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम जहाँ डीसी में उसको चाहिए वहाँ पर हम कम्यूटेटर प्रयोग करेंगे, जहाँ एसी चाहिए वहाँ हम स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे। ओके, थ्री फेज वाली प्रणाली में बाइंडिंग कॉइल के बीच फेज डिफरेंस होता है, तो थ्री फेज में बाइंडिंग कॉइल के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है 120 डिग्री, जबकि टू फेज में पूछे तो कितना होता है 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर चलेंगे आगे 144 में, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार का क्षय में परिवर्तन होता है। तो दो प्रकार का क्षय होता है, एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होता है, जो मेरा कॉपर लॉस है वो मेरा क्या होता है, ये लोड पर डिपेंड करता है, लोड पर डिपेंड करता है, जबकि आयरन लॉस जो है मेरा, आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस क्या होता है कि लोड पर कोई डिपेंड नहीं करता, लोड रहे या नहीं रहे ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ओके, आयरन लॉस कैसा है, कांस्टेंट लॉस, जबकि कॉपर लॉस लोड पर डिपेंड करता है, लोड बढ़ेगा घटेगा तो कॉपर लॉस घटेगा बढ़ेगा, जबकि आयरन लॉस एक कांस्टेंट लॉस है। ओके, तो बोल रहा ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार का क्षय यानी लॉस परिवर्तन होता है, तो कॉपर लॉस, अगर यहाँ पर आयरन लॉस रहे आप पूछे कि लोड के अनुसार परिवर्तन नहीं होता तो आयरन लॉस होगा, जैसे ऑप्शन नंबर 4 है लोड के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अगला है 145 का, दी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है वेबर। और अगर पूछ देता फ्लक्स डेंसिटी का, तो फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, हेनरी किसका होता है, इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का होता है हेनरी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है बीआईएस के अनुसार किसी भी स्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप से कितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर तो होना चाहिए 5%, लेकिन इसका आंसर दे रहा 3%, तो इसमें डाउट है, देख लीजिएगा। अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप होता है 5% और मीडियम के लिए होता है 12.5%। मीडियम वोल्टेज ड्रॉप के लिए, मीडियम वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है 12.5%, मिनिमम 5% होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट बोल रहा है, लेकिन होना चाहिए 1 करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 147 का बोल रहा प्लेट भूयोजन के लिए जीआई भूयोजन प्लेट का मानक आकार है, यानी गल्वनाइज आयरन, जीआई मीन्स गल्वनाइज आयरन प्लेट का आकार क्या होता है, तो सेंटीमीटर में होता है, यानी लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इंटू ये गल्वनाइज आयरन है तो 6.35 हो जाता है उसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला,
उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेंड इंडक्शन मोटर किसके द्वारा संचालित होता है, यानी जो स्टार्टर हम प्रयोग करते हैं सिंगल फेंड इंडक्शन मोटर में वो कौन सा स्टार्टर होता है, या फिर बिना स्टार्टर का प्रयोग होता है? बिना स्टार्टर के स्टार डेल्टा स्टार्टर, फोर पॉइंट स्टार्टर, सिंगल फेड डबल स्टार्टर। तो क्या इसमें लिख भी दिया गया सिंगल फेड डबल स्टार्टर, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? डबल स्टार्टर, सिंगल फेड डबल स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 149 में बोल रहा है कि अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली का परिचालन वृद्धि। हम बताए थे आपको कि सबका फ्रिक्वेंसी रेंज अलग अलग है, अमेरिका में अलग है, चीन में अलग है, भारत में अलग है। तो अमेरिका का फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है? 60 हर्ट्ज। ओके, अगर पूछा था चाइना का तो 40 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 150 में बोल रहा है सीरीज मोटर लोड करेंट होता है, सीरीज मोटर का जो लोड करेंट होता है किसके समानुपाती होता है? ओके, तो IM इज आर्मेचर करेंट, आर्मेचर करेंट बराबर सीरीज करेंट, सीरीज का जो करेंट होता है समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है मेरा, IA बराबर ISE। ओके, यानी ISE में सीरीज फील्ड का करेंट, आर्मेचर फील्ड के करेंट के समानुपाती होता है सीरीज मोटर में। तो आज 150 यानी आज जो 24 तारीख का क्वेश्चन था वो हम पूरा कवर कर चुके हैं, और एक 24 तारीख का एक और मॉर्निंग शिफ्ट का वो भी कवर करेंगे, और 25 तारीख का भी। तो जो चैनल में नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पहले का देख लें, जो नहीं देखे हैं, और सेल बैटरी का भी वीडियो होगा, और बहुत सारा वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट ये सब आप जाकर देख सकते हैं। आपके लिए हम और वीडियो लाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओके, थैंक यू।